बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है। आज बना रही हूँ कच्ची का कीमा, क्योंकि दावतों में तो माशाल्लाह आइडियल एक डिश है। इसमें कीमा तकरीबन 500 ग्राम्स है। दो जो है मैंने गठियाँ इसमें प्याज की ली हैं, और ये स्पाइसेस हैं, ये हैं इसमें कच्ची पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया है इसके अंदर 1 टीस्पून, गरम मसाला है इसमें 1 टीस्पून के करीब, और पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून है, और इसमें नमक और काला नमक है, दोनों जो हैं वो हाफ हाफ टी स्पून है, और ये जो है हमारी हल्दी पिसी हुई ये है हाफ टी स्पून। अच्छा, कीमा जो है वो हमारा बारीक होना चाहिए और ज़्यादा चिकना ना हो, क्योंकि फिर जो है वो कीमा आपका सही से नहीं बनेगा। हल्का सा बस चिकना हो और बारीक कीमा हो। इसको हम एक और दफ़ा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेंगे, और प्याज अभी हमने नहीं डालनी, प्याज को हम ब्राउन करेंगे और दही भी नहीं अभी पड़ेगा। तो ब्लेंडर में हम ये सारे मसाले जो थे हमारे स्पाइसेस, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये ज़ीरा जो हमने भुना हुआ था हमारा ज़ीरा, और बड़ी इलायची, इस सबको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके बारीक सा कर लेना है। इस सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और चॉपर में इसको चॉप कर लूंगी, और फिर हम इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन हमने इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो घी के डालेंगे। और फिर इसके अंदर प्याज जो है हमारी, जो हमने काट के रखी हुई थी, ये हम एक पहले इसमें प्याज अपनी जो है वो डालेंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है, प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, फिर हमने इसमें मैरिनेशन हुआ हुआ जो हमारा कीमा था वो हम इसमें डालेंगे। कीमे को हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में, और कीमा जो है वो मैंने बीफ का लिया है। बीफ का ले लें या मटन का कीमा ले लें वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इन दोनों से ही टेस्ट निकलता है कच्ची के कीमे का। और जो चिकन का कीमा है वो ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे इतना टेस्टी नहीं बनेगा। कच्ची के कीमे के लिए बीफ या फिर आप मटन का कीमा ले लीजिएगा। प्याज जो थी हमारी ब्राउन हो चुकी थी, फिर मैंने इसके अंदर जो है कीमा वो ऐड कर लिया, और 1 गिलास पानी का साथ ऐड कर लिया, और तकरीबन 25 से 30 मिनट्स के करीब जो है हम लो फ्लेम पे इसको ढक कर गलाने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको, कीमे को हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था, और इसका पानी खुशक हो गया है, ये अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 4-4 टेबल स्पून के करीब इसमें दही ऐड करेंगे, और इसकी अच्छी से हमने भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छी से हमने इसकी जो है दही में भुनाई करनी है, तकरीबन 5 मिनट्स हमने इसको भूनना है अच्छे से, कि हमारा जो दही है वो सारा इसके अंदर जज़ब हो जाए, सब भून सा जाए, और बहुत ही प्रिय टेस्टी जो है इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही टेस्टी होगा। सर जी, तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, अच्छे से भुनाई हो गई है कीमे की। अब हमने कोयला डाल के और इसको दम देना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इसको दम देना है, ज़्यादा नहीं देना हमने इसका दम कोयले का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर इसमें है सिर्फ कोयले का टेस्ट आ जाएगा, हमारा जो कच्ची के कीमे का टेस्ट है वो डेवलप से इतना नहीं होगा। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट का हमने दम कोयले का देना है पास। अच्छा जी, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने कोयले का दम दिया इसको, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ये कच्ची का कीमा माशाल्लाह रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रहा है, और यकीनन खाने में भी उतना ही लजीज होता है। तो ये जो है दावतों में माशाल्लाह एक आइडियल दावतों के लिए डिश है, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।